पनिशमेंट नहीं, डांट नहीं, और पैर का दर्द है, पैर का दर्द है। चलो ठीक हो जाएगा, खाना वाना खाओ, आराम करो, ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। अंश अभी जस्ट अभी अभी आया है स्कूल से। यहाँ कुकर में डाला हुआ है मैंने घी, और आप घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने घी डाल दिया, इसमें डाल दिया है जीरा, और उसके बाद प्याज, और यहाँ प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अच्छे से ब्राउन नहीं हुआ है अभी। मैं यहाँ डालूँगी गोभी, आलू, गाजर, यह हल्दी है, धनिया पाउडर, और एक बार अच्छे से भून लेंगे। और ये राइस है जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो इसे डाल दूंगी मैं। चावल मैंने इसमें डाल दिया है, अब डालेंगे हम पानी। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा, नहीं भी आप डालेंगे तो भी चलेगा, इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाला है। और गैस को बंद, गैस को नहीं, कुकर को बंद कर देंगे मीडियम आंच पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। अभी जस्ट अभी अभी आया है स्कूल से। तो भाई साहब बताइए आज क्या हुआ? पनिशमेंट नहीं, डांट नहीं, और पैर का दर्द है, पैर का दर्द है। चलो ठीक हो जाएगा, खाना वाना खाओ, आराम करो, ठीक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एडिटिंग करते समय देखा कि मेरे कंधे पे बिंदी लगी हुई है। मैं या मेरे घर में कोई भी, मेरे भाई बहन डांट खा के या पनिशमेंट मिलती थी स्कूल से, तो हमारे घर के पेरेंट्स ना हमें और ज़्यादा डांटते थे। और अब हम जब पेरेंट्स बने हैं, हमारे बच्चे डांट खा के आते हैं, पनिशमेंट मिलती है, तो हम उनको समझाते रहते हैं ना, कितना अंतर आ गया है। तो तहरी हमारी तैयार हो गई है। ये है तहरी, बूंदी का रायता, और ये है मटर मशरूम की सब्ज़ी जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था टिफ़िन ले जाने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये तो चलिए अब खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। शाम का टाइम है और यहाँ पे बन रही है चाय, और ये मैं बना रही हूँ करेले। सिर्फ इसमें तेल, गर्म तेल में करेले और प्याज डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मैं बताऊँगी आपको, आप भी ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से जो करेले हम बना रहे हैं ना, इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, एक दो दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से हल्के आंच पे इसको बनाना है। तेज आंच पे बनाएंगे तो जल जाएगा, ये क्रिस्पी हो चुका है जो करेला है और प्याज है। तेल में कुछ भी नहीं डालना है, जीरा, हींग, कुछ भी नहीं, मेथी वेथी कुछ भी नहीं। और ये मसाला जो उस दिन हमने बनाया था भरवा बैंगन वाला, वही मसाला है ये, इसे डाल देंगे हम। ये और इस मसाले में मैंने नमक मिला रखा है, अगर आपने नहीं मिलाया हुआ है तो आप मिला लीजिए। और बस थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट, इसे और अच्छे से पकाएंगे करेले के साथ ढक के, ताकि मसाले जो हैं करेले में मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए, ये करेले बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, गैस को कर देंगे ऑफ। और देखिए, किचन में हमने लाइट चेंज कर दी है, आपको ब्राइटनेस दिख रही होगी।
तो बल्ब कल इन्होंने चेंज किया था और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है मुझे। मैंने मेडिसिन ली थी तब जाके फीवर कुछ कम हुआ है। तो वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों को भी बोलिएगा कि जो इनको सर्दी खांसी है उनसे दूर रहें। भरवा मसाले की रेसिपी की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे मैंने व्लॉग में ही डाला था, कोई अलग से रेसिपी की वीडियो नहीं डाली है, तो अगर आपको देखना होगा वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म, फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम आया है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।